उसके बाद हम उनकी मदद की, हमने तन मन धन के साथ उनकी मदद की। हमारे पास कोई एक ऐसा कॉर्पोरेटर मौजूद नहीं जो मोनी कॉन्फ्रेंस कर देते किसी भी एक रुपए की ये लिया हो। हमने हमारे पैसों से उनकी मदद की और वो सीट छुन के आए। हमने बताया था उनको उत्तर के अंदर हम तुमको 40 से 50 हजार की लीड देंगे, वहां पर हमारे लीड हमारी वोटिंग 65 हजार की होती थी जिसके अंदर 35-45 हजार की लीड आप उठा कर देंगे। उत्तर मद्रासन से 45 हजार की लीड वसुंधरा चौहान को ली। हमारा सिर्फ इतना बोलना है कि हमको पहले हमारे कई असेंबली के अंदर हमारे सीट होते थे, विधान परिषद में हमारे लोग होते थे, आज उत्तर विधान परिषद में एक भी मुस्लिम सीट नहीं है, एक भी हमारा नुमाइंदा नहीं है। आज ये हाल हो गया है कि विधान परिषद मुक्त मुस्लिम हो चुका है, लिहाजा हमको इस बात पर गौर करना चाहिए और हर तरीके से हमको लड़ना चाहिए किस तरह से ये हासिल किया जा सकता है उस तरह से हासिल करना चाहिए। अगर कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा में कम से कम मुसलमानों को 25 और कम से कम वोमेन कॉन्फ्रेंस को कम से कम 10 टिकट मिलना चाहिए। और मेरी आपको गुजारिश है अगर आप टिकट के लिए लड़ेंगे तो खाली हमारे नांदेड़ के अंदर कम से कम 2 सीट या 1 सीट हमको उत्तर से मिलना चाहिए जो वोमेन के लिए होते तो बिरादरी से ताल्लुक है। मैं खुद भी इच्छुक हूँ लड़ने का, मैं खुद भी अपने कांग्रेस की टिकट के लिए अप्लाई किया हूँ और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं अगर आपकी अगर मदद तो आपका सपोर्ट हो तो टिकट कोई बड़ी बात नहीं। तो आज धुलिया मालेगांव में हमारे नेशनल लीडर फेरोज अंसारी साहब और महाराष्ट्र के लीडर मतीन परवेज साहब और तकरीबन महाराष्ट्र के सभी ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सब मौजूद थे। इनके पास एक मीटिंग मुंतखिद की गई धुलिया मालेगांव में, जहां पर सभी लोगों ने अपना इजहार ख्याल किया और हमको भी मौका दिया गया नांदेड़ के जिला अध्यक्ष शहर अध्यक्ष होने के नाते से। वहां पर विधानसभा के आने वाले महाराष्ट्र के इलेक्शन के बारे में गौर खिस किया गया कि मुसलमानों की विधानसभा में एक टाइम में 35 से 40 मेंबर हुआ करते थे, आज के पीरियड में सिर्फ और सिर्फ 11 मेंबर मौजूद है। और विधान परिषद तो ऐसा हो चुका है कि इसके अंदर मुस्लिम मुक्त विधान परिषद हो चुका है। इस पर गौर खास करने के बाद हमारे नेशनल लीडर फेरोज अंसारी साहब ने ये कहा कि हम आने वाले वक्तों में राहुल गांधी से और महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब से मुलाकात करेंगे और उनसे कहेंगे कि नांदेड़ में पूरे महाराष्ट्र में कम से कम 25 मुस्लिम उम्मीदवार दिया जाए, जिसके अंदर मोमिन बिरादरी के कम से कम 10 उम्मीदवार हो। क्योंकि मैंने अपनी बात रखते हुए वहाँ पर बताया कि नांदेड़ के लोकसभा इलेक्शन में जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स ने इकट्ठा वोट कांग्रेस के हक़ में दिया, वो जिसके अंदर मोमिन बिरादरी का भी एक अच्छा रोल था। जब राहुल गांधी देगलू नाके से गुजरे तो हमने मोमिन कॉन्फ्रेंस का मोमिन का जो झंडा है वो लहराया और अपने ही बाजे ताशे से राहुल गांधी का इस्तकबाल किया। तो आने वाले वक्तों में हमको उम्मीद है कि तकरीबन उत्तर हो या दक्षिण हो, एक मुस्लिम को इंशाल्लाह उम्मीदवारी मिलेगी और भरपूर कोशिश कर हम ये कोशिश करेंगे कि हमारा नुमाइंदा असम अली में जाए और हमारे हक़ के लिए लड़े। तो आज का जो प्रोग्राम हुआ वो प्रोग्राम बहुत ही कामयाब रहा अल्लाह के फजल से, और आने वाले वक्तों में महाराष्ट्र में कम से कम मोमिन बिरादरी को भी कुछ ना कुछ टिकट मिलेंगे और वो लोग कामयाब होंगे।